वहीं लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब एक घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में 19 लोगों की मौत हुई जबकि 3000 से ज्यादा जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार हिजबुल्ला को निशाना बनाकर किए गए सीरियल पेजर ब्लास्ट थे, लेकिन इनमें आम लोग भी हताहत हुए। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्ला ने धमाकों का आरोप इसराइल पर लगाया है। लेबनान के ज्यादातर इलाकों पर हिजबुल्ला का कब्जा है। इस संगठन ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, और इसी वजह से यहां लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं।